बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। चूंकि इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बच्चों ने कमेंट्स के अंदर बार बार इसको जो था ना, इस टॉपिक को हाईलाइट किया हुआ था, इस वजह से मैं चैप्टर के दरमियान में पहले ये टॉपिक पढ़ाने लगा हूं और इसके बाद इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को जो है ना वो कैरी ऑन करेंगे। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, और वी कैन से जो हमारे अंदर गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। जब भी हम गैसियस एक्सचेंज की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक बात ज़रूर आती है कि हम जो हैं प्लांट से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और इन रिटर्न हम प्लांट्स को क्या दे देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो गैसेस का लेना, ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का देना होता है, अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये किसके अंदर आता है, गैसियस एक्सचेंज के अंदर आता है। और इस गैसियस एक्सचेंज के लिए हमारी बॉडी में एक ऑर्गन सिस्टम काम करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की मदद से हम ब्रीथ करते हैं। जब भी हम ब्रीथ करते हैं, इसका मतलब हम सांस को अंदर लेकर जा रहे हैं और फिर सांस को बाहर निकाल रहे हैं। अब इस सांस के अंदर ले जाने और बाहर लेकर आने में गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है, और ये अहम काम कौन कर रहा होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कर रहा होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अगर मेन मेन हिस्से देखें जाए तो हमारे पास कौन सा है, दैट इज़ द नोज, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लेरिंक्स, ट्रैकिया, और उसके साथ साथ आपके पास लंग्स आ जाते हैं। अगर हम इस सिस्टम की, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि इस ऑर्गन सिस्टम की लोकेशन की बात करें, तो ये हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी जगह हैं जिसके अंदर ये पाया जाता है। सबसे पहले ये स्टार्ट होता है स्कल से, स्कल से फिर ये नेक की तरफ जाता है, और नेक से ये किधर आता है, चेस्ट की तरफ आता है। अब चेस्ट में कैविटी है जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द थोरेसिक कैविटी। अब ये इस थोरेसिक कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं, आपके पास पेयर ऑफ लंग्स मौजूद होते हैं, और ये पेयर ऑफ लंग्स जो हैं ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं ताकि जो ऑक्सीजन है उसको ब्लड के अंदर शामिल किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर शामिल करने के लिए लंग्स हेल्प करते हैं, तो ये किस तरह से ऑक्सीजन जो है ये ब्लड में ट्रांसफ़र होती है, इसका जो मैकेनिज्म है टोटली हम पढ़ेंगे, और इस ऑक्सीजन का जो हमारी बॉडी के अंदर फ़ायदा क्या है। तो बच्चों याद रखें, जब भी हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लिए ऐसे समझ लें कि ये फ्यूल के तौर पर काम करता है, क्योंकि हमने खाना तो खा लिया है, ग्लूकोज हमने इनटेक कर लिया है, अब उस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होनी है। तो अगर आपको 11वां चैप्टर याद हो, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम ग्लूकोज को जो है फर्दर पाइरोविक एसिड की जो है ना वो ऑक्सीडेशन करते हैं, उसको एसिटाइल कोए देन फिर एक क्रेब साइकिल जो है वो रन करता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो उससे हम क्या लेते हैं, एटीपी लेते हैं। तो दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस से लेकर C6H12O6 को ग्लाइकोलाइसिस से लेकर क्रेब साइकिल देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 36 एटीपी हमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो देता है, और वो किसकी प्रेजेंस में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, क्योंकि एनएरोबिक में जो प्रोडक्शन होती है एटीपी वो जरा क्या होती है, कम। तो इस तरह से अगर ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज तक नहीं पहुंचेगी, जिस भी टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी उस टिश्यू के अंदर साइनोसिस हो जाएगी, मीन टू से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो जाएगा और वो पर्टिकुलर टिश्यू जो है उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे पांव के नाखूनों के जो लिविंग टिश्यूज़ हैं वहाँ तक भी पहुँचती है। सो आप कहते हैं कि सर से लेकर पाँव तक ब्लड जो है इस ऑक्सीजन को कैरी कर रहा होता है। अब इस ऑक्सीजन को ब्लड तक पहुँचाता कौन है, दैट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंशाल्लाह उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट हम करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को, इसके दो पोर्शन है, एक अपर है और दूसरा कौन सा है, लोअर है, वो हम इंशाल्लाह ड्रा करेंगे तो उसमें आपको मैं बता दूंगा। अब ये देखें कि आपके पास ये स्टार्ट होता है, दो नॉस्ट्रिल्स हैं, ये नथने जिनको हम जो हमारे नाक के अंदर हैं, इन नथरों के अंदर एक दीवार मौजूद है दैट इज़ कॉल्ड सेप्टम, जो इसको अलहदा करती है, और फिर ये आगे एक नेजल कैविटी के अंदर जाके ओपन होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के अंदर कॉन्चास प्रेजेंट हैं जो कि बोन्स जो है वो मॉडिफाई हुई होती हैं, और इस तरह से इसको तीन मेन जो मेजर रस्ते हैं वो मिलते हैं जो एयर को डायरेक्ट करते हैं कि वो किसके अंदर जाए। वो आपके पास एक मस्कुलर सिस्टम है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसको हम क्या बोलते हैं, फेरिंक्स। तो ये किसके पास जाए, फेरिंक्स के पास जाए। तो एयर इस तरह से जो है ना वो फेरिंक्स के पास आती है, फेरिंक्स के बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है दैट इज़
दैट इज लेरिंग्स, ये लेरिंग्स है, मैं यहां पर लिख देता हूं। ये जो लेरिंग्स है इसका जो अपर पोर्शन है यहां पर, ये जो अपर पोर्शन है यहां पर आपको दो बैंड्स नजर आते हैं जो कि स्ट्रेच करने से जिनके वॉइस पैदा होती है, वॉइस प्रोडक्शन होती है, ठीक है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। तो ये आपके पास क्या है, वोकल कॉर्ड्स। जब इनके अंदर से एयर गुजरती है तो ये इस तरह से फ्लैप करते हैं इस तरह से, और फिर वो जो है वॉइस की प्रोडक्शन होती है, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स का नाम भी देते हैं, वॉइस बॉक्स का भी नाम दिया जाता है। उसके बाद ये जो लेरिंग्स की अपर पोर्शन की ओपनिंग है वो आपके पास क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड ग्लॉटिस। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस बोलते हैं। और इस ग्लॉटिस के ऊपर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मौजूद होता है, दैट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। जब भी हम निगलने का प्रोसेस शुरू करते हैं, किसी चीज को खाते हैं, तो एपिग्लॉटिस जो है वो ग्लॉटिस के ऊपर इस तरह से आ जाती है, ताकि खुराक जो है वो ट्रैकिया के अंदर यानी कि हवा की नाली के अंदर ना चली जाए, क्योंकि अगर वो हवा की नाली के अंदर चली जाती है और लंग्स में चली जाती है, फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और उसके बाद वो नमूनिया काज करता है। फौरन से जब हम कोई खा रहे होते हैं, साथ हम बोलने की कोशिश करते हैं, तो हमारे अगर तो इस सांस की नाली में आता तो हमें फौरन से खांसी आती है और आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, हम उसको फौरन से बाहर निकाल देते हैं। तो ये बेसिकली जो है आपके पास लेरिंग्स है, वॉइस बॉक्स। और इसके बाद क्या होता है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एक पाइप रन करता है, 12 सेंटीमीटर का ये होता है, दिस इज कॉल्ड विंड पाइप। इसको हम विंड पाइप का भी नाम देते हैं, और इसी तरह से इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रैकिया। इसको ट्रैकिया का भी नाम दिया जाता है। ट्रैकिया के अंदर ऐसे सी शेप्ड होती है ना, ये मौजूद होती हैं, इसके अंदर कार्टिलेज से बनी हुई रिंग्स मौजूद होती हैं, हाफ रिंग्स मौजूद होती हैं, सी शेप लाइक दिस। तो ये इसको कोलैप्स कर जाने से, क्योंकि ये तो मस्कुलर है तो ये कोलैप्स कर जाएगा, तो इसको कोलैप करने से ये बचाती हैं। अगर ये कोलैप कर जाए तो एयर अंदर जाएगी नहीं, सांस बंद होगा और इससे क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। फिर ट्रैकिया जो है ये फर्दर मेन दो नालियां हैं उनके अंदर डिवाइड होता है, एंड दीज आर कॉल्ड ब्रोंकाए, और एक को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकस बोलते हैं। और फिर फर्दर इसी तरह से ये बड़ी बड़ी नालियों के अंदर पहले डिवाइड होता है, ये सारी क्या हैं, ब्रोंकस ही हैं, और ये कलेक्टिवली आपके पास क्या कहलाती हैं, ब्रोंकाए कहलाती हैं इस तरह से। अब इनके अंदर भी जो है आपको ये कुछ सी शेप जो है ना ये रिंग्स देखने को मिलती हैं, लेकिन जब फर्दर आगे ये डिवाइड करती हैं तो इनके अंदर यहाँ पर अब सी शेप की ये रिंग्स मौजूद नहीं होती, बल्कि कुछ प्लेट्स मौजूद होती हैं कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई, जो इसको कोलैप्स कर जाने से बचाती हैं। लेकिन जब ये फर्दर डिवाइड करती हैं, फर्दर डिवाइड ये करके ये छोटी छोटी अबाउट 1 मिलीमीटर जब इसका साइज हो जाता है, तो ये किसके अंदर तब्दील होती हैं, ये डिवाइड होकर बनाती हैं ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स बनाती हैं। और ब्रोंक्यूल्स जो हैं ये फिर फर्दर डिवाइड होते हैं और छोटी छोटी मजीद नालियों के अंदर डिवाइड होते हैं, दीज आर कॉल्ड एल्वुलर डक्ट्स। हम इनको क्या बोलते हैं, एल्वुलर डक्ट्स का नाम दिया जाता है। और ये एल्वुलर डक्ट्स फिर छोटे छोटे सैक्स के अंदर ओपन होती हैं, जो कि बिल्कुल ग्रेप्स यानी कि अंगूरों के गुच्छों की तरह हमें दिखने को मिलते हैं, दीज आर कॉल्ड एल्वोलाए। हम इसको क्या बोलते हैं, एल्वोलाए का नाम देते हैं। अब ये सारी चीज़ें मिलकर, ये एल्वोलाए सारे इकट्ठे हो होकर ये आपके पास क्या बनाते हैं, वन साइड जो है वो लंग्स की बनाते हैं, और इसी तरह से ये इस साइड पर भी जो है वो लंग्स बनते हैं। तो पेयर ऑफ लंग जो है ना वो आपके पास होते हैं। तो आप कहते हैं कि ये जो ब्रोंकाई है, एक जो है वो एक लंग को और दूसरी जो है वो दूसरे लंग के अंदर जाती है, और फिर पूरे का पूरा लंग जो होता है ये स्पंजी लाइक होता है, स्पंज लाइक होता है, स्पॉन्ज लाइक होता है, क्योंकि इसके अंदर ये हवा की थैलियाँ मौजूद हैं, एयर वेजिकल्स मौजूद हैं, और इन एयर वेजिकल्स को हमने क्या नाम दिया है, दीज आर कॉल्ड एल्वोलाए।
एल्वोलाई का नाम दिया जाए। यही वो मेन जगह है जहां से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ ना फंक्शंस, इसके अंदर मौजूद चीजें हैं उनके फंक्शंस भी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम अपर एंड लोअर को जो है ना वो डिस्कस करेंगे। अगर मैं अपर की बात करूं तो अपर के अंदर आपके पास जो है ना वो नॉस्ट्रल्स आ जाते हैं, नेजल कैविटी आ जाती है, उसके साथ साथ आपके पास जो है वो फेरिंग्स आ जाता है, एंड लेरिंग्स का जो अबव पोर्शन है वो इसके अंदर आता है, और इसी तरह से यानी कि जिसको आप ग्लॉटस बोलते हैं, ग्लॉटस आता है, और इसी तरह से जो नेक्स्ट आपके पास है वो कौन सा है, दैट इज द लेरिंग्स का जो लोअर पोर्शन है वो आ जाता है, प्लस आपके पास क्या आता है, ट्रैकिया आ जाता है, एंड इसी तरह से ब्रोंकाई आ जाते हैं, फिर ब्रोंकियाई से आगे ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से आगे एल्वोलर डक्ट्स, और एल्वोलर डक्ट्स से आगे एल्वोलाई, एंड पूरे लंग्स, पूरे के पूरे लंग्स आ जाते हैं। तो ये आपके पास जो है ना वो लोअर पोर्शन है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एंड उसके साथ साथ हमारे पास क्या आ जाते हैं, लंग्स वगैरह जो है ना इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये लोअर जो है पोर्शन किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। तो यहाँ पर ये अपर एंड लोअर हम क्यों इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि जब भी हम मेडिकली इसको यूज़ करते हैं ना, यानी कि आप कहते हैं कि हमें कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो अगर तो ये गले से ऊपर ऊपर है तो हम कहते हैं कि इसके अपर ट्रैक्ट के अंदर जो है ना वो क्या हो चुका है, इन्फेक्शन हो गया। अगर लोअर में है तो हम कहते हैं कि लोअर साइड पर है, लोअर पोर्शन जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसके अंदर एलर्जी हो गया या नमोनिया हो गया कोई भी। तो इस वजह से इसको हम ना जो है मेडिकल फील्ड उसके अंदर ज़्यादातर ये अपर एंड लोअर जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी प्रोटेक्शन, चूँकि ये बड़े वाइटल ऑर्गन हैं तो इनकी प्रोटेक्शन भी होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके साथ क्या है, लाइफ जुड़ी हुई है। अब इन लंग्स को प्रोटेक्ट कैसे किया गया है, लंग्स को प्रोटेक्ट किया गया थोरेसिक कैविटी के अंदर। ये जो आपको ब्लू से नज़र आ रही हैं, ये आपके पास क्या है, रिब्स हैं। ये रिब्स मिलकर क्या बनाती है, एक रिब केज बनाती हैं, एक पिंजरा बनाती हैं, और इस पिंजरे के अंदर बड़े ही महफूज हैं ये डेलिकेट ऑर्गन। तो क्या कुदरत ने इसके अलावा भी इसको कुछ जो है वो प्रोटेक्शन दी है, तो यह सब कहते हैं कि ये जो आपको ब्लैक से नज़र आ रही हैं, ये लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। ये प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर वाटर भी होता है जो कि शॉक को एब्जॉर्ब भी करता है। तो मैं जरा यहां पर आपको और एक चीज बता दूं, ये आपके पास है 12 सेंटीमीटर ट्रैकिया, ट्रैकिया से ये ब्रोंकाय, ब्रोंकाय से ये जो बड़ी बड़ी आपको ग्रीन से नजर आ रही हैं, ये भी आपके पास क्या है, ब्रोंकाय, ब्रोंकाय से आगे फर्दर डिवाइड होते हैं 1 मिलीमीटर तक के डायमीटर तक पहुंचते हैं, दैट्स ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल से आगे एल्वोलर डक्ट, और एल्वोलर डक्ट के आगे ये क्या है, एल्वोलाए हैं। अब हमने देखना क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, कि किस तरह से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के थ्रू जो है वो इन लंग्स से ली जाती है और दोबारा से लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड दी जाती है। तो मैकेनिज्म में ये है कि ये जो एल्वोलाए हैं ये वन सेल थिक होते हैं, इंतहाई पतले होते हैं, इसके अंदर आसानी के साथ गैसेज जो हैं वो डिफ्यूज़ कर जाती हैं। तो होता क्या है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये ब्लू से, इसका मतलब है इसके अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड इस एल्वोलर जो एल्वोलाए हैं, एल्वोलर जो आपके पास क्लस्टर है एल्वोलाए का, एल्वोलर क्लस्टर उसको बोलते हैं, उसके पास आते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे एल्वोलाए इकट्ठे होते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, एक तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आता है, और आप देखते ही देखते ये देखें ये ब्लड जो है ये रेड हो चुका है, इट्स मीन कि इस ब्लड के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। ये ब्लड कहाँ से आ रहा है, बॉडी की तरफ से आ रहा है, और इसको दोबारा से ऑक्सीजनेटेड करके किधर भेजा जा रहा है, टूवर्ड बॉडी ही भेजा जा रहा है। अब ये जो बॉडी के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन होती है ये कौन करा रहा होता है, ये हार्ट करा रहा होता है। इसी तरह से आप कहते हैं कि एक आर्टरी जो ब्लड को यानी कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास लेकर आ रही है, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी, और उसके अंदर आपके पास कौन सा ब्लड है, डी ऑक्सीजनेटेड है, और फिर लंग्स से उसकी ऑक्सीजनेशन होकर उसके अंदर ऑक्सीजन शामिल कर दी जाएगी, और फिर क्या होगा बच्चों, इसको जो है वो दोबारा हार्ट की तरफ भेजा जाएगा। अब हार्ट इसको क्या कर देगा, पूरी बॉडी की तरफ जो है ना वो पंप कर देगा, क्योंकि पूरी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और ये जो अहम काम कर रही होती है ये कौन सी होती है, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन ये काम कर रही होती है। होता क्या है, इसमें से हमने एक को बाहर निकाल लिया, ये ऐसा ब्लड है जिसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये मैं ब्लू से जो डॉट लगा रहा हूँ ये सारी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से डिफ्यूज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे, इस तरह से। ये अब कार्बन डाइऑक्साइड किधर आ चुकी है, आपके पास आ चुकी है एल्वोलाए के अंदर, और एल्वोलाए के अंदर ऑलरेडी क्या मौजूद है, ऑक्सीजन। तो ये एल्वोलाए से ऑक्सीजन इधर ट्रांसफर कर दी जाती है
इधर ट्रांसफ़र कर दी जाती है। और इसमें जो आपके पास ये वाला पोर्शन है, इसके अंदर जो RBCs होते हैं यानी कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जिनके पास क्या मौजूद है, हीमोग्लोबिन है। ये हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को अपने साथ मिला लेती है और फिर पूरे ब्लड के थ्रू जो है ना पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन को भेजा जाता है ताकि आसानी के साथ ऑक्सीजनेशन जो है ना वो हो सके, टिश्यूज़ की साइनोसिस से बचा जा सके, इस तरह से इंसान जो है वो डेथ से बच सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज, गैसों का तबादला हो रहा है। और ये गैसों का तबादला कौन कर रहा है, आपके पास लंग्स इसमें हेल्प कर रहे हैं। और स्पेशली लंग्स का कौन सा स्ट्रक्चर, दैट इज़ एल्वोलाई, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थिन होता है। तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है और ब्लड में जो है ना ऑक्सीजन को शामिल किया जाता है। ये कहाँ पर हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिसीविंग एंड ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन ये लंग्स के अंदर एल्वोलाई के अंदर हो रहा होता है। नेक्स्ट जो है, हमने इसके प्रोटेक्शन के बारे में बात कर ली। कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो नेजल कैविटी के अंदर मौजूद हैं। नेजल कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं आपके पास हेयर्स और म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, यानी कि हेयर्स एंड म्यूकस होता है, ये मैं लिख देता हूँ। अब इन दोनों का काम क्या है, जब भी हम सांस लेते हैं ना, तो सांस हमारा जो माहौल है उसमें कभी गर्मी है कभी सर्दी है, तो लेकिन इंटरनल जो बॉडी ऑर्गन ये बड़े सेंसिटिव होते हैं, इनको एक पर्टिकुलर जो टेम्परेचर है ना वही एयर का दिया जाता है। तो ये जो नेज़ल कैविटी है इसके अंदर मौजूद जो म्यूकस है, अगर तो गर्मी है तो वो, अगर जो आपके पास हवा है वो खुश्क है तो उसको ये अंदर ये नमी प्रोड्यूस करेगा और उसको कूल करेगा। और इस तरह से अगर सर्दी है उसमें नमी है तो ये नमी इसके साथ जो है वो नेज़ल कैविटी के अंदर, आपको पता ना जब आप बहुत ज़्यादा ठंड के अंदर या धुंध वाले दिनों के अंदर सांस लेते हो तो आपके नाक के अंदर पानी पानी सा जो है वो हो जाता है। सो इसका मतलब है कि दोनों तरह से इन्होंने एयर जो होती है उसको बड़ा ही मॉडरेट करके आगे भेजना होता है। फिर हवा के अंदर कुछ गर्द के पार्टिकल्स होते हैं तो ये हेयर्स उनको क्या करते हैं, रोकते हैं। कुछ दिनों बाद आप देखते हैं कि आपके नाक के अंदर चूहे बन जाते हैं। ये क्यों बनते हैं, क्योंकि आपका एक्सपोजर डस्ट के साथ बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से आप जो है ना वो अगेन एंड अगेन डेली बेसिस पे या नमाज़ पढ़ते वक्त हम जो है वो अपने नाक को साफ़ करते रहते हैं ताकि जो डस्ट वगैरह है वो बाहर निकल जाए। और इसी तरह से ये जो पूरे का पूरा पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर सीलिएटेड जो होते हैं एपिथीलियल मौजूद होती है, जिसका काम है म्यूकस को सिक्रीट करना, और साथ ही साथ वो जो सीलिया मौजूद हैं उनका काम है डस्ट को कैप्चर करना, ताकि क्या किया जाए, इसके अंदर बिल्कुल फ्रेश और जो आपके पास डस्ट है उससे पाक एयर जो है वो भेजी जाए ताकि लंग्स जो हैं वो आपके महफूज रहें। सो आई होप कि इसके अंदर मैंने सारी बातें जो है ना वो क्लियर कर दी हैं जो जो मिसिंग थी, एंड आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।